देश भर में आज बैसाखी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस दिन को नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है। इसे कृषि पर्व भी कहते हैं, क्योंकि इस त्यौहार को फसलों के मौसम की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन लोग अनाज की पूजा करते हैं और फसल के कटकर घर आ जाने की खुशी में भगवान और प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। दरअसल इस महीने रबी फसल पूरी तरह से पक कर तैयार हो जाती है और पकी हुई फसल को काटने की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में किसान खरीफ की फसल पकने की खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं। इस पर्व को पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने फसलों की कटाई कर लेते हैं और शाम के समय में आग जलाकर उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उस आग में नए अन्न डालते हैं। ये त्यौहार खासकर से सिखों का प्रमुख त्यौहार है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को वैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके साथ ही इस दिन को मनाना शुरू किया गया था। वैसाखी के दिन से ही सिख लोगों ने अपना सरनेम सिंह यानी शेर को भी स्वीकार किया था। हालांकि ये त्यौहार सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बैसाखी को असम में बिहू, बंगाल में नबा वर्षा, केरल में पूरम विशु के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस बार कोरोना के कारण लोग सावधानी पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मना रहे हैं। वैसे जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इस त्यौहार को बैसाखी नाम क्यों दिया गया। तो बता दें कि बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है, यही कारण है कि इस त्यौहार को बैसाखी नाम दिया गया। बैसाखी त्यौहार अप्रैल महीने में तब मनाया जाता है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। सूर्य के मेष राशि में प्रवेष करने की वजह से ही इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। ऐसा हर साल 13 और 14 अप्रैल को ही होता है। इसके साथ ही ये दिन मौसम में बदलाव का प्रतीक भी माना जाता है। अप्रैल के महीने में सर्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। मौसम के कुदरती बदलाव के कारण भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। सूर्य की स्थिति परिवर्तन के कारण इस दिन के बाद धूप तेज होने लगती है और गर्मी शुरू हो जाती है और तेज गर्मी पड़ने लगती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।